भाई साहब, ये वीडियो आपको बताने वाला हूँ सीजन टू का गोइया पास का वीक वन, वीक टू, वीक थ्री, वीक फोर का पूरा मिशन, पूरा डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से आप वीक वन का मिशन कंप्लीट कर सकते हो, किस तरीके से वीक टू का, वीक थ्री का और वीक फोर का, और डेली मिशन भी आपको बता दूंगा। आज का है ये, लेकिन डेली अलग अलग आता है। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे वीक वन मिशन की, कि वीक वन मिशन में हमको क्या क्या दिया गया है और फटाफट हम कंप्लीट करेंगे पूरा चार वीक का मिशन। भाई साहब, कमेंट में रिडीम कोड की लिंक है, वो लिंक पे क्लिक करके आप वेबसाइट पे आ जाओ और रिडीम कोड जल्दी से ले लो, अभी के अभी जाओ, रिडीम कोड की लिंक कमेंट बॉक्स में है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ भाई साहब, ये वीडियो के लिए मैंने गिव अवे रखा है, तीन प्लेयर लोग को मैं देने वाला हूँ गूगल प्ले का रिडीम कोड। और आपको बता दूं, मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियो आती है दिन भर, चाहे दो, तीन, चार, पांच, हर वीडियो के लिए मैं तीन लोगों को देता हूँ गूगल प्ले का रिडीम कोड। लेकिन अगर आप नए हो तो आप लोग को नहीं पता होगा कैसे पार्टिसिपेट करना और कैसे लेके जाना है। तो यहाँ पे डेली 12 से 15 लोग लेके जाते हैं गूगल प्ले का रिडीम कोड और आप भी लेके जा सकते हो। तो ये सब आपको डिटेल में पता चल जाएगा। कमेंट में एक लिंक है हाउ टू पार्टिसिपेट की, वो वाले मेरे वीडियो पे क्लिक करके देख लो और जाके पूरा डिटेल में वीडियो है, समझ लेना, सुन लेना और वीडियो भगा के मत देखना यार। स्किप करोगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा और पार्टिसिपेट करने के बाद भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो भाई रूल बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो हाउ टू पार्टिसिपेट वाली लिंक है जो कमेंट में, उस पर क्लिक करके देख लो वीडियो और आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे वीक वन, वीक टू, वीक थ्री, वीक फोर के पूरे मिशन के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम बात करेंगे डेली मिशन की। तो आज का जो डेली मिशन है, यहाँ पे आपको पहला मिशन दिया गया है लॉगिन का। तो ये लॉगिन वाला मिशन आप कंप्लीट कर लोगे, लॉगिन करते ही मिल जाएगा। और जो दूसरा मिशन है ये वाले मिशन में यहाँ पे आपको 10 मिनट गेम खेलना है, कोई भी गेम खेलो, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 500 का डैमेज देना है कोई भी मोड में, चाहे लोन वुल्फ, चाहे बीआर, चाहे सीएस, आप तीनों मोड में कोई भी गेम खेलोगे तो 500 डैमेज देते ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपको 300 मीटर भागना है, मतलब आपको 300 मीटर ट्रैवल करना है, चाहे कार से, चाहे पैदल, चाहे कैसे भी, कोई भी मोड में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको आधा घंटा गेम प्ले करना है, कोई भी गेम प्ले, और ये भी कंप्लीट। और उसके बाद ये वाला जो मिशन है ये बीआर और सीएस के लिए है, यहाँ पे आपको दो मैच खेलना है, चाहे वो रैंकेड या नॉर्मल कोई भी खेलोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डेली मिशन कंप्लीट कर लोगे आज का। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं वीक वन मिशन की। तो वीक वन मिशन में जो सबसे पहला मिशन दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है प्ले 10 टीम मैचेस, मतलब यहाँ पे आपको टीम मैचेस खेलना है 10, मतलब स्क्वाड वाला स्क्वाड मैच आप 10 मैच खेलोगे तो आपका ये वाला जो मिशन है कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सेकेंड मिशन की। यहाँ पे प्ले फ्री फायर फॉर 300 मिनट्स, यहाँ पे आपको 300 मिनट गेम खेलना है, कोई भी गेम खेलो, लोन वुल्फ, सीएस, रैंकेड, नॉर्मल कुछ भी खेलोगे, कस्टम को छोड़ के, ठीक है, कस्टम नहीं इंक्लूड है इसमें। तो जैसे ही आप 300 मिनट खेलोगे ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा मिशन है, यहाँ पे आपको स्पिन करना है, 30 स्पिन करना है लक रॉयल में। आप लक रॉयल में कोई भी स्पिन कर सकते हो, चाहे तो आप यहाँ पे, मैं बता देता हूँ, आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आपको गोल्ड रॉयल में यहाँ पे स्पिन करना है। देखो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे 10 मैंने कर लिया और 10 कर लेता हूँ और उसके बाद 10 और, मेरा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 30 स्पिन कर लिया है। अब यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया है मिशन, देख सकते हो, यहाँ पे वीक वन में आ रहा हूँ और ये जो 30 स्पिन वाला मिशन था, देख सकते हो, ये कंप्लीट हो गया है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना, आप भी इस तरीके से कर लेना। और यहाँ पे अब नेक्स्ट मिशन की बात करते हैं, ये वाला देखो 300 मिनट वाला तो आपको बता ही दिया था, अब ये वाले की बात करें तो ये वाला जो मिशन है, यहाँ पे आपको ट्रैवल करना है कितना, 20,000 मीटर ऑन फुट। ये फुट का मतलब समझ लो, आपको ट्रैवल करना है 20,000 मीटर, वो भी बीआर में, सीएस में नहीं, हाँ बैटल रॉयल वाले गेम में, बीआर में आपको ट्रैवल करना है, पैर से भागना है, चलना है, वो भी 20,000 मीटर बैटल रॉयल में, चाहे रैंकेड खेलो चाहे नॉर्मल खेलो, आप 20,000 मीटर भागोगे, चलोगे, मतलब पूरा ट्रैवल कर लोगे तो आपका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई ये भी मिशन कंप्लीट कर लेना। और उसके बाद जो नेक्स्ट मिशन आ रहा है वो है सीएस मोड का, आपको क्लैश स्क्वाड के अंदर 20 मैच पूरा कंप्लीट करना है। तो जैसे 20 मैच पूरा खेल लोगे तो आपका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचता है हमारा ये लास्ट वाला, तो ये सीएस मोड का है, क्लैश स्क्वाड में आपको 5,000 का डैमेज देना है कोई भी क्लैश स्क्वाड के अंदर, चाहे रैंकेड चाहे नॉर्मल। तो जैसे आपका 5,000 डैमेज हो जाएगा तो ये वाला हो जाएगा। तो इसी के साथ जो हमारा वीक वन का मिशन है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं हम वीक टू मिशन की। तो वीक टू मिशन का जो सबसे पहला मिशन है, अभी आप बोलोगे यार ये लॉक है, ये अनलॉक कब होगा, तो ये मैं बता दूंगा, पहले यहाँ पे आपको मिशन बता दूं।
तो देखो यार, यहाँ पे आपको बता दूं, जो पहला मिशन है वो आपको 30 मैच खेलना है, कोई भी लोन वुल्फ सीएस बीआर चाहे नॉर्मल चाहे रैंकेड, कोई भी 30 मैच खेलोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो सेकंड मिशन है वो है, यहाँ पे आपको टॉप 3 में आना है बीआर में, वो भी 3 टाइम, ठीक है, टॉप 3 में 3 बार आना है बीआर, रैंकेड में नहीं आ, बैटल रॉयल के अंदर आपको खेलना है, वो भी नॉर्मल में आओ या रैंकेड, दोनों में से किस में भी आओगे चलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है रैंकेड में, नॉर्मल में भी आप टॉप 3 में आ जाओ। तो देखो यार, यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ, आप स्क्वाड खेलो, स्क्वाड में टॉप 3 बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन थोड़ा सर्वाइव करना और आप इजीली पहुँच जाओगे यार, ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट मिशन की, ये वाले, तो ये मिशन है हमारा मेडकिट का, तो आपको 8 मेडकिट यूज़ करना है बैटल रॉयल में। जी हाँ दोस्तों, बीआर मोड में कोई भी, चाहे नॉर्मल चाहे रैंकेड में, किसमें भी आप 8 मेडकिट यूज़ करोगे तो आपका ये वाला मिशन कंप्लीट। और उसके बाद नेक्स्ट मिशन है हमारा बीआर मोड का, आपको सर्वाइव करना है 300 सेकेंड। देखो 300 सेकेंड ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, यहाँ पे नॉर्मली आपका 3 मिनट लगता है, तो 3 मिनट तक आपको सर्वाइव करना है, और 10 बार ये ऐसा करोगे तो 10 बार के अंदर में आपका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। देखो बीआर मतलब नॉर्मल, हाँ रैंकेड रहेगा तो मैं बता दूंगा, अभी यहाँ पे बीआर के बारे में बात हो रही तो सब नॉर्मली के बारे में है, रैंकेड भी खेलोगे तो भी चलेगा। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट मिशन की बात करते हैं, यहाँ पे हमारा सीएस रैंकेड क्लैश स्क्वाड रैंकेड का मिशन है, ये क्लैश स्क्वाड रैंकेड के अंदर आपको 10 मैच कंप्लीट करना है, 10 मैच खेलोगे तो ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे जो लास्ट मिशन आ रहा है वो है हमारा टीम टास्क मिशन, ये अलग होता है। देखो टीम टास्क में आपको ये जो सीएस में करना है, सीएस क्लैश स्क्वाड में करना है, नॉर्मल वाला क्लैश स्क्वाड रैंकेड नहीं, तो ये टीम टास्क का मतलब होता है स्क्वाड, आपको स्क्वाड में खेलना है, मतलब अपनी स्क्वाड नहीं बनाओगे चलेगा, क्योंकि क्लैश स्क्वाड में वैसे भी स्क्वाड बनती है, तो आपको क्लैश स्क्वाड के अंदर आपके टीम में सब मिला के, मतलब आपने एक गेम में 4 मेडकिट मारा और आपके ग्रुप में जो 3-4 बंदे आए उन लोग ने 2-2, 3-3 करके तीनों प्लेयर ने मारे, तो टोटल यहाँ पे आपका सब मिला के जितना मेडकिट हुआ वो समझ लो 15-20 मेडकिट हुआ एक गेम में, तो 120 मेडकिट आप लोग सब मिल के यूज कर लोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया तो एक बार फिर से बता देता हूँ, 120 मेडकिट आपको अकेले नहीं यूज करना है, आपको टीम में, मतलब आपके स्क्वाड में जितने प्लेयर हैं उन लोग को भी बोलो मेडकिट यूज करे और आप भी यूज करो, जितने ज्यादा लोग यूज करेंगे आपके स्क्वाड वाले लोग मेडकिट, वो सब आपका काउंट होगा और उनका भी काउंट होगा, अगर आप यूज करोगे तो उनके उसमें जाएगा और वो लोग यूज करेंगे तो आपके उसमें आएगा, और आप अपना खुद का यूज करोगे तो आपका भी यूज में आएगा। तो मतलब 120 मेडकिट यूज कर लोगे तो ये मिशन कंप्लीट। और यहाँ पे हमारा जो वीक 2 का मिशन है ये कंप्लीट हो गया। अभी आप यहाँ पे पूछोगे कि वीक 2 का जो मिशन अनलॉक नहीं है, ये अनलॉक कैसे करना है, ये लॉक को कैसे हटाना है, तो देखो ये लॉक हटेगा 6 दिन बाद। देखो जो टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 6 दिन दिखा रहा है, अगर आप लेट देख रहे हो वीडियो तो ये धीरे धीरे टाइम कम हो गया या अनलॉक हो गया होगा, तो समझ में आया, जो भी यहाँ पे आपको टाइम दिया वो टाइम पे अनलॉक होगा, ये हमारे मिशन कंप्लीट होने पे अनलॉक नहीं होने वाला। आप सोचोगे वीक 1 का कंप्लीट कर लेंगे तो वीक 2 अनलॉक हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होने वाला, जो टाइम फ्री फायर ने दिया वो टाइम पे फ्री फायर खुद ओपन करेगा। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं वीक 3 के बारे में, तो यहाँ पे वीक 3 का जो मिशन है, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले मिशन की, तो यहाँ पे आपको 1 हफ्ता मतलब 7 दिन लॉगिन करना है, लॉगिन कर लोगे 7 दिन तो मतलब ये 7 दिन के बाद ही आपको मिलेगा, ठीक है, 7 दिन के बाद ही ऑटोमेटिकली मिशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको बस 7 दिन लगातार लॉगिन करना है। और यहाँ पे जो दूसरा मिशन है वो आपका बीआर मोड का है, नॉर्मल नॉर्मल रैंकेड दोनों मिला के, और यहाँ पे आपको 10 प्लेयर को एलिमिनेट करना है, मतलब 10 प्लेयर को किल करना है, तो आपको यहाँ पे ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे जो तीसरा मिशन है वो है यहाँ पे हमारा बीआर मोड का, नॉर्मल और रैंकेड दोनों मिला के आपको 5000 डैमेज देना है, कोई भी गन से देना है, ठीक है, तो ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा 5000 डैमेज देते ही। और यहाँ पे जो नेक्स्ट मिशन है वो है टीम टास्क वाला, टीम टास्क वाला मैंने बताया, आपके स्क्वाड में जितने भी प्लेयर हैं वो और आपका मिला के सब होता है टीम टास्क, तो सबको मिला के आपको 30 प्लेयर किल करना है, 30 लोगों को किल करना है, वो क्लासिक रैंकेड कोई भी, चाहे सीएस हो चाहे बीआर हो, मतलब बैटल रॉयल क्लैश स्क्वाड में से दोनों गेम मिला के आपको 30 किल करना है, तो इजीली हो जाएगा। और यहाँ पे जो नेक्स्ट मिशन है वो है सिंगल मैच का, एक मैच के अंदर आपको सीएस के अंदर 1000 का डैमेज देना है, तो भाई ये तो आराम से आप लोग दे सकते हो, 1000 का डैमेज कोई बड़ी बात नहीं है एक मैच में सीएस मोड में, रैंकेड नॉर्मल दोनों, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे टीम टास्क का एक लास्ट मिशन है, टीम टास्क के अंदर आपको क्लैश स्क्वाड मतलब सीएस के अंदर 30 प्लेयर को एलिमिनेट करना है हेडशॉट मार के, मतलब टीम टास्क आपको भी हेडशॉट मारना है और आपके स्क्वाड में जो बंदे हैं
उन लोगों को भी मारना है। अगर आप अकेले मारोगे तो आपको 30 प्लेयर मारने में बहुत टाइम लगेगा, साथ में सब मिल के मारेंगे तो भाई 30 प्लेयर एक गेम में नहीं करना है। कितना भी गेम आप खेलो हर गेम का काउंट होगा। अगर पहले गेम में आप लोग ने यार दो चार लोग को मारा तो ये काउंट हो जाएगा दो चार, उसके बाद करते करते ये जब 30 हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वीक 3 का ये पूरा कम्प्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं वीक 4 मिशन की। तो वीक 4 मिशन जो है हमारा सबसे पहला जो है वो BR मोड का, BR में नॉर्मल रैंकेड दोनों काउंट होगा। तो यहाँ पे आपको 8 मैच खेलना है, 8 गेम खेलना है तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड मिशन है वो है ट्रैवल करना है। आपको 10,000 मीटर आपको भाई साहब फुट से पैर से भागना है BR मोड में, बैटल रॉयल में नॉर्मल रैंकेड दोनों में। आप जैसे 10,000 मीटर कंप्लीट कर लोगे तो ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट मिशन है वो है बैटल रॉयल का, नॉर्मल रैंकेड दोनों। आप 3 मशरूम खाओगे तो आपका ये भी मिशन कंप्लीट हो जाएगा। BR में 3 मशरूम खाना है आपको बस। और उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट मिशन है वो क्लैश स्क्वाड रैंकेड का है। जी हाँ दोस्तों, CS रैंकेड का है। आपको 10 किल करना है, 10 किल करते ही ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट मिशन है वो है CS नॉर्मल रैंकेड दोनों का है। आपको भाई साहब 10 ग्लू वॉल फोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, ग्लू वॉल को फोड़ना है CS के अंदर। 10 ग्लू वॉल फोड़ोगे तो ये भी मिशन कंप्लीट। और यहाँ पे जो टीम टास्क मिशन है, टीम टास्क तो समझ गए ना, पूरी स्क्वाड मिलके। तो यहाँ पे CS के अंदर आप लोगों को 50 प्लेयर लोग को एलिमिनेट, मतलब 50 किल करना है सब मिलके। तो ये करते ही आपका पूरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ यहाँ पे मैंने पूरा आपको डिटेल में बता दिया किस तरीके से आप मिशन कंप्लीट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कमेंट में हाउ टू पार्टिसिपेट की लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख लो गूगल प्ले का रिडीम कोड कैसे लेना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपने फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।